आप लखनऊ से आए हो मिलने के लिए और आप एकदम जा रहे हो और वो एक बार में मेरे को लगा था जैसे कि मेरी अनीता आई हो सामने। सॉरी बट वो क्या मेरी तरह दिखती थी? कहीं जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में थोड़ा। जय बाबा के दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी दिन से मुझे एक लड़का इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा था, मेरी उससे बात हुई तो वो लड़का बहुत परेशान है। मुझे नहीं पता क्यों परेशान है, बस वो इतना कह रहा था कि बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं आपको कोई परेशान नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का आपको परेशान नहीं करूँगा, ये मैं सोचेगा कि मैं आपके पास मतलब मदद के लिए आ रहा हूँ या आपको परेशान करने आ रहा हूँ। बस यही बात वो मुझसे बोले जा रहा है कि अंकिता बस आप एक बार मिल लो मुझसे, मैं मिलके बस सब कुछ आपको मैं मतलब बता ही नहीं सकती, उसकी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती मैं कि वो इतना क्यों मेरे से मिलने के लिए परेशान हो रहा है। काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहा था तो मैं आज थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा ठीक है आपको मैं मिल लूँगी। मैंने कॉल कर दी है और लोकेशन भी अपनी दे दी है, थोड़ी देर में आता है और मिलते हैं तो देखते हैं क्या बात है क्या नहीं और क्यों इतना परेशान है, किस बात को लेकर इतना परेशान है। मैंने मैसेज इसमें भी काफ़ी बार पूछा कि क्या हुआ है, आप अगर आपको कोई परेशानी है या कोई बात है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसने बोला नहीं मैं कुछ शेयर नहीं करना चाहता, बस आपसे एक बार मिलके मैं चला जाऊंगा। तो वो आ रहा है तो बात करते हैं उससे। A few moments later. हेलो अंकिता जी, कैसे हो? हेलो, ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बैठो। थैंक यू। और कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाहता था, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। दिया था, बात हुई तो थी हमारी। जी, जी। बस मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ, बट जैसे ही मैंने आपको देखा था मेरे को आपसे मिलने का मन हुआ, मैं तभी से सोच रहा हूँ मैंने अंकिता जी से मिलना है मेरे को, आज मौका मिला मेरे को मिलने का। थैंक यू, आपने मिलने के लिए थोड़ा अपना टाइम निकाला। कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस क्या बस, बात है? कुछ नहीं, बस मेरे को मिलना था आपसे, जब मैंने आपको देखा था तभी से मैंने सोचा था मैंने अंकिता जी से एक बार मिलना है मेरे को। अच्छा, ऐसी कोई पर्सनल बात या ऐसा कुछ? नो, बस मिलने आया था। बस नॉर्मली मिलने आए थे? जी जी, बस देखा था तो थोड़ा मन किया कि अंकिता जी से मिलूं। अच्छा, और घर में सब कैसे, कौन कौन है? सब बढ़िया, मम्मी पापा और बहन भाई। अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं, अभी तो स्टडी क्लियर हुई है। अच्छा, स्टडी क्लियर हुई है। थैंक यू आप अपने टाइम देने के लिए, बस आपसे मिलना चाहता था, बाकी अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए, बट मिलने का मन हुआ तो मैंने आपको मैसेज किया। कोई बात नहीं, इतना आप सॉरी और इतना बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्यों आप, क्या बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, बात नहीं, नहीं बस मिलने का मन था इसीलिए आ गया मैं, मेरे को मिलना था आपसे। हाँ मिल लिए, लेकिन कुछ ऐसा एक इम्पोर्टेंट भी तो होता है ना कि ये कुछ मिलना था, मैं बस मिल लिया, थैंक यू, जा रहा था बस। कहाँ जा रहे हो? जा रहा था इतनी दूर से, आप इतनी दूर से आए हो, कहाँ से बताया था? लखनऊ, पता नहीं, लखनऊ से? हाँ लखनऊ से हो ना, तो अभी आप यहाँ कब आए हो? अभी जस्ट मैं मॉर्निंग ही निकला था, अभी यहाँ पर आया हूँ तो आपसे मिलने, मैं सीधा डायरेक्टली मिलने आ गया आपसे। तो मतलब मॉर्निंग आए आप यहाँ और उसके बाद मतलब किसके पास रुके? कोई यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ही आए हैं। तो आप लखनऊ से आए हो मिलने के लिए और आप एकदम जा रहे हो और बोल रहे हो? जी जी, आपसे मेरा मिलने का बहुत मन था, मैं आपके काफ़ी टाइम से बहुत वीडियोज़ देख रहा हूँ, मतलब एक लाइक सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको जितना भी जानता हूँ मैं, सोशल मीडिया के थ्रू जानता हूँ, जब भी देखा था मैंने आपको तभी मैंने सोचा था मैंने अंकिता जी से एक बार मिलना है। तो एक रीज़न भी तो होता है, किस लिए मिलना, बस आप मिलना, बस मैं आपको जानता हूँ, आप थोड़ा नहीं जानते मेरे बारे में। हाँ मैं तो नहीं जानती, बस इतना ही अभी जितना जाना और मैसेज में जाना उतना ही है। अब मतलब घबरा रहे हैं आप, क्या हुआ है? क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा रोहन। रोहन, क्या हुआ रोहन, घबरा क्यों रहे हैं आप, क्या हुआ है? बस आपसे मिलना था इसलिए मैं इतनी दूर से चला आया। तो अब कहाँ जाएंगे? बस जा रहा हूँ अंकिता जी, जा ही रहा था घर में। रोहन एक मिनट, हुआ क्या है, सुनो तो सही। कुछ नहीं अंकिता जी, बस मिलना था इसलिए आया। रो क्यों रहे हो, रो रहे हो आप? नहीं, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट बैठो, अच्छा चले जाना, आप रो क्यों रहे हो ये बताओ ना, बैठो तो सही, एक मिनट दो मिनट बैठो, चलो क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, क्यों रो क्यों रहे हो, कोई बात है, कोई अगर इम्पॉर्टेंट है पर्सनल है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, जब इतनी दूर से आप मिलना है और अब दो मिनट भी नहीं हुए आपको, आप देख के जा रहे हो, क्या हुआ? ये एक्चुअली ऐसा था ना कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम अनीता था। गर्लफ्रेंड तो, थी का मतलब
लाइक अभी उसका हम कहीं जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट में थोड़ा थोड़ा क्या नहीं रहा, मतलब नहीं रही वो। ओह शिट, क्या नाम था? अनीता। अनीता जी, कितना टाइम हो गया इस बात को? 2-3 मंथ्स हुए हैं। शिट, जब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी आप मेरे को लाइक उसी की तरह लग रहे थे, तब से मैंने सोचा मैंने आपसे मिलना है एक बार, बस मुलाकात करनी थी तो आपके पास आ गया। सॉरी, मुझे नहीं पता थी कि इतना दूर से आप इसलिए मिलने आए हो मुझसे। मतलब क्या हो गया था एकदम से जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया? मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस जा रहे थे, सामने से ट्रक आ गया तो उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद तो मतलब देखो रोहन, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट रो मत, प्लीज़ प्लीज़ मत रो। मैं जान सकती हूँ कि अभी तुम्हारे ऊपर क्या फील हो रहा होगा, तो मतलब सॉरी बट वो क्या मेरी तरह दिखती थी जी, इसीलिए आप इतना परेशान हो गए मुझे देख के। मैंने आपको जब देखा था ना वीडियोस में, तब मैं एक बार में मेरे को लगा था कि जैसे कि मेरी अनीता आई हो सामने, तभी मैं आपसे मिलने के लिए आया था। सॉरी बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, इतनी दूर से आप मुझसे मिलने आए हैं। अब ठीक हो ना आप? वैसे मैं ठीक हूँ। कितना टाइम का रिलेशनशिप था आपका? कोई 5-7 ईयर्स हो गए थे साथ में। 5-7 ईयर का रिलेशनशिप था, तो सबको ही पता होगा वैसे तो घर में, और मतलब मम्मी पापा को पता था, अभी काफ़ी टाइम से मैं पहले मुंबई की तरफ रहता था, फिर मैं फैमिली से थोड़ा अलग हो गया। अच्छा। उस सीन के बाद थोड़ा फैमिली से मैं अलग हो गया, फिर काफ़ी टाइम तक अलग रहा, फिर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी थी, मैंने सोचा मैं आपसे बस डायरेक्टली आपको मैसेज किया। थैंक यू, आपने रिप्लाई दिया, मैंने सोचा नहीं था आपसे मिल पाऊँगा। देखो अब थैंक यू मत बोलो, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा मतलब एक्सीडेंट हुआ हुआ है और इतना मतलब परेशान है, और 5-7 अब बोल रहे रिलेशनशिप का आपका टाइम है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना ज़्यादा हार्ड हो रहा होगा। बट शुक्र है कि आप ठीक हैं अभी, और वो नहीं रही तो वो तो मर्ज़ी थी भगवान की, भोलेनाथ की, जो भी था, और अच्छा नहीं हुआ आपके साथ। उसकी जगह मुझे ले लेती, बट ऐसे मत बोलो, अब जो हुआ सो हो गया। अब मैं देखो रोहन, रो नहीं प्लीज़, आप बहुत अच्छे लड़के हो पहली बात तो, बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आप, मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं आपको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अभी आप किसके पास हो यहाँ पे? बस कोई नहीं है यहाँ पे दिल्ली में? लखनऊ से डायरेक्टली मैं आपके पास आया था सीधा मिलने के लिए। सिर्फ बस मिलना था आपको? मुझसे मिलने के लिए आया था आपसे। थैंक यू, आप मुझसे इतनी दूर से मिल रहे हैं, मुझे नहीं बताती। जब मैं आपसे फोर्स कर रही थी कि आप बता दो क्या बात है क्या बात है, तो मुझे नहीं पता थी कि इतना बड़ा आपका मतलब प्रॉब्लम है, और इतना मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। तो अब आप ठीक हो? अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत मूव ऑन किया या नहीं किया? यही है, भूल तो सकता नहीं हो ना, लॉन्ग टाइम रिलेशन ऐसा थोड़ी होता है, काफ़ी क्लोज था ना इस वजह से। शादी भी करने वाले हो गए शायद ही? फैमिली को पता था, दोनों की फैमिली को पता था, फैमिली को पता था, बातचीत हो रखी थी, बट लास्ट टाइम पे ऐसा। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे एक बात बोलूँ, मेरी अनीता तो मेरे साथ नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप हाँ, बात क्यों नहीं, बात कर सकते हो आप मुझसे, क्या ये ठीक रहेगा आपके लिए? जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि अनीता को ऐसे बोल तो सकता नहीं हो, बट जब मैंने आपको देखा था ना तब सीधा मैं डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आ गया। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, पर कल को मैं क्लियर कर दूँ आपको, ऐसा दिल में कुछ मत रखिएगा, ठीक है? मैं क्लियर पहले कर दूँ आपको, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नॉर्मली बात, आप मैं आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं नहीं, देखो मुझे बस पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको कम्फर्टेबल हो तो आप मेरे से, मैं सिर्फ नॉर्मली बात करूँगा और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं। मेरे को भी अच्छा लगेगा थोड़ा। हाँ मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़ा मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है, ज़िंदगी में अपना कुछ आगे कर पाएंगे, मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक
यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है, पर इतना बड़ा मतलब आपके साथ हुआ हुआ है प्रॉब्लम, और अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब आपकी अनीता जैसी मैं दिखती हूँ, तो आप इस टाइम कैसा फील कर रहे होंगे, मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि आपको क्या फील हो रहा होगा कि मेरी अनीता मेरे सामने से चली गई। और आपसे मिलने भी इसलिए आया था क्योंकि जैसे ही मैंने देखा था ना, सबसे पहले मेरे को लगा था मैंने शायद अनीता बिल्कुल एकदम अनीता जैसी, एकदम फेस कट भी वैसा और बातचीत के तरीके भी, अब मैं मिला तो आपका सेम वैसा, मैं बहुत क्लोज था उससे, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। सीरियसली जैसा मैंने सोचा था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं लखनऊ से डायरेक्टली आपके पास मिलने आया, जैसे ही मैंने देखा ना तो मैंने सीधा आपको मैसेज किया, मैंने मेरे को अंकिता जी से मिलना। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा मुझसे मिलके तो मुझे भी अच्छा लगा, और ध्यान रखो अपना, ठीक है? कोई भी मतलब ऐसा कदम मत उठाना या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना खुद के लिए जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो, ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी तसल्ली दे सकती हूँ कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर आपके हाथ में नहीं था जो हुआ, ठीक है? अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और हो सके तो लाइफ में कुछ करना जिससे अगर अनीता आपको देखे तो कि हाँ कुछ किया है, ठीक है? क्योंकि साथ ही जो इतना टाइम का रिलेशन होता है कहीं ना कहीं तो साथ रहता है, प्यार मैंने सुना है, अब रहता है या नहीं रहता है तो मुझे नहीं पता। अगर अनीता देख रही होगी या सुन रही होगी तो अच्छा उसको फील हो ये कि हाँ जिससे मैंने प्यार किया वो अच्छा इंसान था। कुछ लाइफ में करना अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है? अगर और लाइफ में अगर कुछ हो या कोई लड़की आए तो उसको भी उतना ही प्यार देना, ठीक है? या अपनी वाइफ को या जो भी लड़की लाइफ में आए, उसके समझती हूँ उसके लिए नहीं होगा क्योंकि जो पहला होता है वो पहला ही होता है, पर कोशिश पूरी करना, ठीक है? तो अभी आप कहाँ जाओगे? अभी बस निकल ही रहा था मैं यहाँ से, मैं बस आपसे डायरेक्टली मिलने आया था, यहाँ से सीधा लखनऊ जाऊँगा। अब लखनऊ जाओगे जी? ठीक है। कुछ खाया आपने? जी जी खा लिया। क्या खाया था? कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल खाना। नहीं खाया? नहीं, मॉर्निंग निकला था तो बस वही खाना खा लेते हैं। चलो मैं कुछ खिला देती हूँ आपको, अब भूखे पेट थोड़ी ना जाएंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो अब सीधा लखनऊ के लिए? अब ठीक है, तो ध्यान से जाइएगा, ठीक है? और ध्यान नहीं के बहुत खुश हूँ, जब मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊँगा। नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल हूँ और कुछ नहीं। ध्यान रखना अपना और सबका ध्यान रखना, अपनी फैमिली का, परेशान मत होना, ठीक है? थैंक यू अंकिता जी। बस थैंक यू मत बोलिए बात, ठीक है?